हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पुष्पेंद पटेल और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीपी द ट्रैवलर में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक एजुकेशन टाइप का वीडियो है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप में रैम कम पड़ रही है और आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आपको रैम की ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा रैम मंगा सकते हैं और अपने लैपटॉप में इसको अलग से ऐड कर सकते हैं और आपके लैपटॉप की आप रैम बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं कि मेरे लैपटॉप की रैम कितनी है और मैं उसको कितना अपग्रेड करने वाला हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अभी 32 GB अडाटा कंपनी की रैम मंगाई है क्योंकि मैं अभी हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उनको एडिट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और ये रैम करीब मुझे 15,000 रुपये की पड़ी है। प्रिंटेड प्राइस है वो करीब इसमें 25,000 रुपये लिखा हुआ है। मैं आपको ये दिखाता हूँ और इसको ऐड करके बताता हूँ कैसे आप लैपटॉप को खोलें और किस तरह से आप इसको आप रैम को अटैच कर सकते हैं और आपको अपग्रेड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप की इंस्टॉल्ड रैम है 16 GB। मैं इसको अपग्रेड करने जा रहा हूँ अप टू 48 GB तक, तो 32 GB प्लस 16 GB 48 GB हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि अंदर किस टाइप की अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो हमें कोई एक रैम निकालनी पड़ेगी, शायद 8 GB की रैम निकालनी पड़े। तो ये देखिए, ये 32 GB रैम है अडाटा कंपनी की और इसकी जो मेमोरी स्पीड है वो 3200 MHz है और ये करीब मुझे 14,200 रुपीज़ में पड़ी है डिस्काउंट के साथ में। और इसकी जो प्रिंटेड प्राइस है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी प्रिंटेड प्राइस करीब 25,000 रुपये है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद लैपटॉप को भी ओपन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप ओपन करके, MSI का लैपटॉप है और इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे अपग्रेड करते हैं रैम आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लैपटॉप के बैक साइड में जो भी सारे स्क्रू थे वो मैंने इस स्क्रू ड्राइवर से खोलकर सारे रख लिए हैं। और मैंने स्क्रू ड्राइवर ये भी अमेजोन से मंगाया था, तो इन सबकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको लैपटॉप को ओपन कर लिया है। उनको आप खोल लेते हैं तो ये बहुत आसानी से आप इसको धीरे से आप उठा लीजिए, ये देखिए। और इस तरह से हमारा लैपटॉप, देखिए इस तरह से लैपटॉप ओपन हो चुका है। ये बैक साइड का एरिया है MSI कंपनी का। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए मिडिल में आपको ये दो रैम लगी हुई है ऑलरेडी और जगह स्पेस कुछ भी नहीं बची हुई। इसका मतलब है कि इसमें 8-8 GB की रैम ये लगी हुई है। तो अब हमारे पास स्पेस तो है नहीं है और हमने ऑलरेडी परचेज कर ली है ये, और हमें अपग्रेड तो करना ही है क्योंकि 16 GB से काम नहीं चल पा रहा है। क्योंकि ड्रोन की वीडियोज़ बहुत हाई क्वालिटीज़ में होते हैं और भी बहुत सारा एडिटिंग करना पड़ता है तो हाई रैम की ज़रूरत है। तो मैं आपको इसको अपग्रेड करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से एक स्लॉट से आपको एक रैम को ही निकालनी पड़ेगी 8 GB की। तो आप जो ये जो छोटे छोटे जो साइड में लगे हुए इनको आप थोड़ा सा ये है इसको आप थोड़ा सा इनको खोल दीजिए इस तरह से और इसको भी इस तरह से। तो ये जो रैम है ये ऑटोमेटिक निकल के आ गई है। तो ये जो 8 GB की रैम है मैं इसको अभी निकाल दे रहा हूँ। देखिए 8 GB लिखा हुआ है, 8 GB 1 hour × 8 PC4। तो ये 8 GB की रैम है सैमसंग कंपनी की, मैं इसको निकाल के रख दे रहा हूँ और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये जो इसको मैं निकालता हूँ, चलिए फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये रैम को ओपन कर लिया है और ये बॉक्स निकाल लिया है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी 32 GB DDR4 3200 MHz की जो ये मेमोरी स्पीड की रैम है ये हमारे हाथ में है। तो अब मैं इसको आपको इसको ऐड कैसे करना है, इसको 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 अटैच कैसे करना है आपको सिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो नॉच है, ये जो नॉच है आपको इसको इससे मिलाना है। तो आपको ये देखिए कि इस तरह से तो ये आएगी नहीं, तो इससे आप समझ जाइए कि इसमें रिवर्स टाइप में आपको लेना है इस तरह से। और जब आप इसको अटैच करने जाएं तो इसको पहले आप स्टैंड पोजीशन में इसको ऐसे फंसाएं नोच में। ये जो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए बिल्कुल नोच दिख रहा है आपको, इस नोच में आप ये नोच को मिलाइए पहले स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से ये। तो जब ये इस तरह से लग जाए
ये देखिए इसको, ये देखिए इस तरह से आपको, पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इस तरह से फंसाना है स्टैंडिंग पोजीशन में, और इसको फिर अंदर की तरफ ले जाना है। जब ये देखिए करेंगे, ये देखिए, तो ये हमारी 32 GB की रैम यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, और ये 8 GB की तो भी हमारी रैम हो गई 40 GB की, और इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। तो हम इसको देखते हैं कंप्यूटर के अंदर चल के कि देखते हैं कितनी GB की रैम एक्चुअल में हो गई है। सब कुछ ओके लग रहा है, बाकी अब देखते हैं पहले किस तरह से। तो ये हमारा लैपटॉप को हम थोड़ा अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऐसे में चेक कर रहे हैं, इसको भी एक बार चालू करके फिर इसके बाद देखते हैं कितना आता है। तो चलिए अब ओपन करके देखते हैं, पासवर्ड डाल के कंप्यूटर को ओपन करते हैं, और इस तरह से ये हमारा कंप्यूटर ओपन हो गया। और अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे अबाउट PC, ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, तो हम इसके अंदर चलते हैं, और अगर एवरीथिंग इज़ ओके तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड रैम दिख रही है 40 GB, 39.8 GB यूजेबल। तो इस तरह से हमारी रैम अपग्रेड हो चुकी है, और इस तरह से हमारा काम हो चुका है। देखिए इंस्टॉल्ड रैम 40 GB, और हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने लैपटॉप की रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन देख लें कि वो लैपटॉप में रैम अपग्रेड हो सकती है कि नहीं। उसके लिए आप नेट पर अपने लैपटॉप के जो भी स्पेसिफिकेशन हैं वो डालें और चेक करें कि इस टाइप का लैपटॉप आपको रैम अपग्रेड अलाउ करेगा कि नहीं, उसमें कोई अलग से स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप उसमें नहीं देख पा रहे हैं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें, आप डायरेक्ट लैपटॉप खोलिए और देखिए कि वहाँ पर स्लॉट है कि नहीं। और भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक CPU-Z नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए लैपटॉप में, और वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके लैपटॉप में कितनी मेमोरी है और कितना स्लॉट है। तो इस तरह से मैं अपने लैपटॉप को क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी रैम अपग्रेड हो चुकी है, मेरे पास 40 GB की रैम है जो कि मोर देन सफिशियंट है। और क्योंकि आप जानते हैं कि 8 GB 16 GB की रैम एनफ होती है वैसे, लेकिन मैंने 40 GB इसलिए की ताकि मेरा टाइम बचे। मेरे पास बहुत टाइम खर्च होता था रेंडरिंग में और भी एडिटिंग में, कभी कभी हैंग हो जाता था। मुझे लग रहा है वो दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे चैनल पे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए।